सीताराम गुरुजी सीताराम। हाँ सीताराम, कहाँ से हो रही है? ये बागेश्वर धाम। हम रायपुर से हैं। हाँ बात है। हमारा सवाल ये है कि जैसे हम टीका लगाते हैं मस्तक पे, तो उसको हम किस सही कपड़े से पहुंच जाते हैं, रात में सोते समय उसको टीका को कैसे निकालना चाहिए? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, ताली बजाओ एक बार। अभिमंत्रित कलक को रात्रि के सोने के पहले किसी वस्त्र में आपको उसको साफ कर देना चाहिए। अभिमंत्रित कलक नहीं है, अभिमंत्रित का मतलब गुरु परंपरा का, भगवान के चरणों का या गुरु का दिया हुआ, ये अभिमंत्रित है। अगर ऐसा नहीं है और साधारणतया दुकान का है तो वो रात्रि में मुख से धो करके आप उसकी शुद्धि कर सकते। उसको आप साफ कपड़े में एक वस्त्र उसके लिए अलग रखिएगा, उस वस्त्र में ही उसको पहुंचिए, फिर मुंह धोइए। तो उस वस्त्र को एक बाल्टी में साफ कीजिए। उसके सवाल बड़े हैं। ये क्या है, भगवान है कि नहीं? भैया हम भगवान के लिए बहुत लड़ाई करें, है कि नहीं? तो मेरा आपके मेरे मन में जो आया, अगर मैं गलत बोलूंगा उसके लिए क्षमा चाहूंगा आप सभी से। इसका हम बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा इसको सर में बांध रहे हो, सब चीज कर रहे हो, लेकिन मुंह पोंछ रहे हो और कुछ कर रहे हो, बहुत सारे चीज है तो ये बहुत कुछ चीजों को हम इसको गले में लटका देते हैं, कभी मुंह भी बांध देते हैं, कोई कमर भी बांध देता है, कोई और कुछ करता है, कोई संस्कृति इतनी व्यापक है जिसके बारे में व्याख्या की जाए हजारों साल। और ये बात हमारे बहुत ही प्रिय है, तो राजपीत का मतलब राजनीति, और हमारे तो वो भाई और डिवोटी शिष्य के रूप में उन्होंने चार चीजें बताई थी। कुत्ता को जानते, शहद जानते, शहद अमृत कही गया, लेकिन अगर कुत्ता चाट ले तो वो मर जाता। निगोरी जानते नीम की, नीम की निगोरी, और नीम के पेड़ पर कौवा रहता है, कौवा, लेकिन अगर नीम की निगोरी खा ले तो वो कौवा मर जाता। मिश्री जानते हो ना, जो मीठी होती है, जिसे कई जगहों पर खांड कहते हैं, खांड है? मिश्री को या घी को, घी हमारे यहाँ औषधियों में अमृत कहा गया, उसको अगर गधा चाट ले तो मर जाता है, पचता नहीं। उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म की औषधि शहद, हमारे सनातन धर्म का रंग, हमारे सनातन धर्म का भगवान भी कौवा और गधा को पचाया है। अब हमारी जिम्मेदारी है इसके सम्मान को बरकरार रखने की। अब तुम, हाँ कौन जाओ, कुछ बोलो सर। सीताराम गुरुजी। सीताराम। हाँ सीताराम, कहाँ से हो रही है? जय बागेश्वर धाम। हम रायपुर से हैं। हाँ बात है। हमारा सवाल ये है कि जैसे हम टीका लगाते हैं मस्तक पे, तो उसको हम किस सही कपड़े से पहुंच जाते हैं, रात में सोते समय उसको टीका को कैसे निकालना चाहिए? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, ताली बजाओ एक बार। अभिमंत्रित कलक को रात्रि के सोने के पहले किसी वस्त्र में आपको उसको साफ कर देना चाहिए। अभिमंत्रित कलक नहीं है, अभिमंत्रित का मतलब गुरु परंपरा का, भगवान के चरणों का या गुरु का दिया हुआ,
ये अभिमंत्रित है। अगर ऐसा नहीं है तो साधारणतया दुकान का है तो वो रात्रि में मुख से धो करके आप उसकी शुद्धि कर सकते, उसको आप साफ कपड़े में एक वस्त्र उसके लिए अलग रखिएगा, उस वस्त्र में ही उसको पहुंचिए, फिर मुंह धोइए, उस वस्त्र को एक बाल्टी में साफ कीजिए, उसके